नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, आज बांदा के महिला डिग्री कॉलेज के सभागार में महिला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सभिया रहमानी द्वारा लिखी गई किताब काकी का कुनबा पर परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बांदा के अलावा अन्य जनपदों से आए हुए विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। 31 कहानियों का संग्रह काकी का कुनबा नामक इस किताब की परिचर्चा में आज विद्वानों ने किताब की लेखिका डॉक्टर सभिया रहमानी की खूब सराहना की। खट्टे मीठे अनुभवों के साथ लगभग 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सभिया रहमानी और उनके पति अकील अहमद खान के द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। आशीष कुमार, किताबें समाज के लिए कितनी उपयोगी है? ये जरूरी किताबें हैं कि समाज का सच सामने आता है, आम आदमी कैसे सोच रहा है, कैसे देख रहा है, वो सवाल इन कहानियों के माध्यम सामने आते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम बंधु कुशावर्ती, लखनऊ से। पर इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी हैं। बड़े शहरों में बड़े आयोजन हुआ करते हैं पर उनकी पहुंच वहीं तक रह जाती है। छोटे शहरों में जो इस तरह के आयोजन होते हैं उससे यहाँ के आस पास के लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। नई पीढ़ी को काफी इससे अच्छी बातें मालूम पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ज्यादा बड़े शहरों के आयोजनों के मुकाबले इस तरह के आयोजन छोटे शहरों में बहुत जरूरी है। सर, शुभनाम क्या है आपका? सुधीर सिंह। सर, आज काकी का कुनबा नामक किताब पर परिचर्चा हुई है, उसमें तमाम वक्ताओं के द्वारा अपने अपने वक्तव्य दिए गए हैं। आपके वक्तव्य में कहीं ना कहीं साहित्यकारों का दर्द झलक रहा था, किस तरह का दर्द आज के परिवेश में साहित्यकार महसूस कर रहे हैं? हमारा समाज एक तरह के सामाजिक संक्रमण से जूझ रहा है और ये इस तरह के संकट से गुजरना ये समाज की आत्म परीक्षा भी है। साहित्यकार इस संकट से उबारने के लिए एक सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी कड़ी है। आज का आयोजन इस कड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है। इस अभूतपूर्व पुस्तक, अभूतपूर्व इस अर्थ में कहता हूं कि यह एक ऐसी छोटी जगह में रह के लिखी गई है कि जहां साहित्य की संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं, वहां से एक बड़ा प्रयास है और अभिनंदनीय है। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सभिया रहमानी। आज किस तरह की परिचर्चा थी? आज ये जो केदार स्मृति न्यास है इसके अंतर्गत एक पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मेरी पुस्तक कहानी संग्रह काकी का कुनबा पर चर्चा कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कुसुम लता सिंह जी थी, लिटिल बर्ड की प्रकाशन, और जिसके विशिष्ट अतिथि कुशावर्ती जी और आशीष सिंह, सुधीर सिंह और नवीन पुंडरीक जी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में काकी के कुनबा पर विस्तृत परिचर्चा हुई। कार्यक्रम को आपने जैसा कि देखा कि इसका संचालन डॉक्टर सचिन मिश्र बखूबी कर रहे थे। मेरे ही इस विभाग में आए डॉक्टर संदीप सिंह ने भी विषय से जो कि अलग थे लेकिन इस पुस्तक पे बहुत अच्छे अपने विचार रखते, और जो इस पुस्तक इस परिचर्चा में बात निकल के आई, कहानियां में कथ अच्छा था, भाषा शैली थी, रवा था लेकिन संक्षिप्त थी, कहीं कहीं बहुत छोटी हो गई। उसकी वजह मैंने बताई थी कि मैं प्रतिलिपि पे लिख रही थी जिसमें समय सीमा भी बांध दी जाती थी, शब्द सीमा भी बांध दी जाती थी, लेकिन मैं भी समाजशास्त्र की हूँ और हिंदी साहित्य में कहानी लेखन पे मुझे गहरी नजर नहीं थी। पर मुझे अब मुझसे जो छोटे जो सचिन जैसे लोग भी जो नए हैं लेकिन लेखन पे बहुत उनकी पकड़ है, उन्होंने भी बताया कि मैम अगर आप कहानियों को और विस्तृत करेंगी तो अच्छी होंगी, तो मुझे एक सीख मिली कि मैं विस्तार से कहानी लिखने की कोशिश करूँ।